हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुपेश ज्योतिष चैनल। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में यदि आप याद करेंगे तो मैंने एरो ऑफ वीकनेस के बारे में तीन एरोज बताया था, राइट? एक एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन, देन एरो ऑफ सस्पिशन एंड एरो ऑफ इनडिसीजन। आज हम लोग क्या करेंगे, और जैसे टोटल 8 है तो उसमें से नेक्स्ट 3 को फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरो ऑफ पुअर मेमोरी के बारे में। सो एरो ऑफ पुअर मेमोरी आप देखेंगे तो एक मैंने जो लोसो ग्रिड बना रहा है आप इसको देख के समझ जाएंगे। जैसे इसमें 4, 9 एंड 2, ये 3 नंबर्स मिसिंग है। तो ये 3 नंबर यदि रहता है तो आप यदि देखेंगे जो एरो ऑफ स्ट्रेंथ वाला था जो वीडियो है, तो ये 3 नंबर यदि प्रेजेंट रहेगा तो क्या रहेगा, ऑफ कोर्स उनके मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहते हैं, एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग रहेगा, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी रहेगी उसमें, वैसे लोगों में। बट जिनमें ये 4, 9, 2 ये नंबर मिसिंग रहेगा तो ऑफ कोर्स उनका लाइक इनिशियली तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आप देख पाएंगे उनमें, बट जैसे जैसे वो लाइक मिडिल एज और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स उनमें आएंगे, राइट? और डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स के कारण ना उनका मेमोरी भी, उनका वीक मेमोरी पावर वीक होते जाता है धीरे धीरे, प्लस डिसीजन लेने सबकी कैपेबिलिटी भी नहीं रहती है, और ज़्यादा लेट होने पे यानी ज़्यादा ओल्ड एज होने पे वो मेंटल इम्बैलेंस भी हो जाता है, लाइक वो अपना मेंटल बैलेंस खो देते उस टाइप से। तो कुछ कुछ केसेस में दिखेगा, ऑफ कोर्स उसके लिए DNC कॉम्बिनेशन भी हमें देखना पड़ेगा तभी हम पूरा एंटायर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन जस्ट आपको मैं एरो ऑफ पुअर मेमोरी के बारे में बताना चाह रहा था इसलिए उसका कुछ फीचर्स बता दिया। अब जैसे नेक्स्ट है एरो ऑफ लोनलीनेस। तो एरो ऑफ लोनलीनेस कब बनेगा, जैसे हमारा मान लीजिए लोसो ग्रिड है, राइट? अब ऊपर में जैसे ऊपर खाने में सभी नंबर हैं, ये जो इमोशन वाला जो लेन है, राइट, इसमें सभी नंबर मिस रहेंगे, राइट? जैसे 3, 5, 7, यदि इस प्लेन में, इमोशनल प्लेन में एक भी नंबर नहीं हो तो फिर वो एरो ऑफ वीकनेस में जो बनता है वो कहलाता है एरो ऑफ लोनलीनेस, राइट? अब इनका क्या रहेगा, तो जैसे आप जान ही रहे इनके पास इमोशन नहीं रहेगा, फीलिंग्स नहीं रहेगी किसी के लिए, और अपने ये गोल अपने काम में इतना बिजी व्यस्त हो जाएंगे, जैसे अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी के बारे में उतना ध्यान नहीं रख पाएंगे, और इस तरह के लोग ओल्ड एज में जाके क्या हो जाते हैं, काफ़ी अलोन सब रह जाते हैं, समाज से कट जाते हैं। और एक जो नेक्स्ट है हमारा वो है एरो ऑफ लॉसेस। सो एरो ऑफ लॉसेस आपको दिख रहा हो शायद यहाँ पे जो मैंने लिखा है, तो ये कब बनेगा, तो ये एरो ऑफ स्ट्रेंथ में हमने डिस्कस किया था कि एक एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी होता है। सो एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैसे बनता है, जब यदि हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे लास्ट वाला लेन है इसमें हमें यदि 8, 1, 6 रहे तब, तो इसका मतलब आप समझ गए, यानी कि 8, 1 एंड 6 ये तीनों नंबर से यदि मिसिंग हो तो फिर एरो ऑफ लॉसेस का एरो बनता है जो कि एरो ऑफ वीकनेस का एक पार्ट है, राइट? और बाकी नंबर जो जैसे ऊपर वाले में नंबर रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं वो उतना मैटर नहीं करता है, बट उसका मेन कंडीशन क्या है कि जैसे ये इस लेन के तीनों नंबर्स मिसिंग होने चाहिए 8, 1, 6, तो एरो ऑफ लॉसेस बनेगा। यदि 8, 1, 6 होने से रहता है तो क्या मिलता है, वो एरो ऑफ स्ट्रेंथ बन जाता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, वैसे लोग बिजनेस और अपने जॉब में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, बट ये नंबर ही मिसिंग है तो फिर क्या होगा, इस तरह के लोग जो हैं वो मनी यदि बनाना भी चाहेंगे, पैसा बनाना चाहेंगे तो क्विक वे, कुछ क्विक मेथड अपनाएंगे, जैसे हम लोग ले सकते हैं जैसे कुछ स्टॉक में, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट, या फिर आप ले सकते हैं जैसे क्विक बक्स जहाँ पे हमारा बनता हो, जैसे कुछ लोग चीट फंड या ये सब करते हैं इस तरह के कामों में, तो फास्ट बक्स बनाना चाहेंगे बट वो सक्सेसफुल नहीं रहेंगे और उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी और इसमें वो काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। तो जब वो मिडिल एज के आसपास लाइक 40, 45 या उसके आसपास पहुँचेंगे तब उन्हें फिर ध्यान आएगा कि बाकी का समय उन लोगों ने इस तरह के कामों में बर्बाद कर दिया है, तो इस तरह से वो फिनेंशियली वीक होता जाते हैं। इसलिए ये एरो ऑफ वीकनेस ही कहलाता है जो कि एरो ऑफ लॉसेस के नेम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी आज तक के वीडियो में टोटल 6
एरोज ऑफ वीकनेस देखा है, एक पीछे वाले वीडियो में जैसे एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एरो ऑफ सस्पिशन, एरो ऑफ इनडिसीजन के बारे में देखा था। आज हम लोगों ने एरो ऑफ पुअर मेमोरी, एरो ऑफ लोनलीनेस और एरो ऑफ लॉसेस के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में दो और एरोज पढ़ लेंगे उसके बारे में। उसके बाद ये हमारा एरोज ऑफ वीकनेस का एक कंप्लीट वीडियो पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाई।